वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश एंड यू आर वॉचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू रूट वर्ड्स। और आज के जो हमारे रूट वर्ड्स हैं, ऑल्ट, अली, ऑल्टर, ये किसी भी अंग्रेजी के शब्द में अगर आपको मिलते हैं तो उसका मतलब होता है दूसरा, यानी अदर, या आप कहें अनदर, या टू चेंज इन टू अदर्स। ठीक है, रफली मैंने चेंज लिख दिया है, टू चेंज यानी बदलाव ला देना, किसी ओरिजिनल चीज में हम बदलाव ला देते हैं तो उसको भी हम कहते हैं, इससे कनेक्शन होगा ऑल्टर से। ठीक है, तो अब देखिए कुछ शब्दों को हम देखते हैं, जैसे कि यहां पर एलियास है, देखिए यहां पर ALI है, अली लगा हुआ है, और इसका मतलब हो जाता है अदर नेम, दूसरा नाम। क्योंकि अगर ये लगा हो, मैंने बताया कुछ भी लगा होगा, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो होगा अदर से होगा, यानी दूसरे से होगा। तो दूसरा नाम किसी व्यक्ति का दूसरा नाम हो सकता है, जैसे हमने कहा ये किसी व्यक्ति के सेंस में ही आपको ये यूज किया जाता है, जैसे ही इज नीरज कुमार एलियास नीरू, नीरू उसका दूसरा नाम हो गया, तो उसको कहते हैं ही इज नीरज कुमार एलियास नीरू। यानी एलियास को हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं ना उर्फ, नीरज कुमार उर्फ नीरू, तो वही एलियास का मतलब अदर नेम। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए, ऑल्टरेशन, अब यहां पे ऑल्टर लगा हुआ है तो ऑल्टर का मतलब भी दूसरा, और ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, टू चेंज इन टू अदर, कैसे चेंज करेंगे, मैंने क्या बताया, टू चेंज, बदलाव ला देना ओरिजिनल चीजों में। तो जैसे कि आप कपड़े उपड़े खरीदते होंगे, आपने जींस खरीदा, ट्राउजर खरीदा, उसकी लंबाई ज्यादा है तो क्या करते हैं आप, कहते हैं भाई इसका ऑल्टरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई अपने हिसाब से, आपकी आपको अपनी लंबाई के हिसाब से उसको एडजस्ट कराना है, तो उसको आप ठीक करवाते हैं, या उसका वेस्ट ज्यादा या कम है, यानी कमर ज्यादा या कम है, तो आप उसको एडजस्ट करवाते हैं, तो आप ओरिजिनल में ऑल्टरेशन करवाते हैं, यानी आप कहते हैं भाई ऑल्टर करवाना पड़ेगा, तो ओरिजिनल में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, या कभी ऐसा हो गया कि आप मोटे हो गए, ठीक है, या दुबले हो गए तो आपका वेस्ट ज्यादा हो गया, कमर ज्यादा हो गई ट्राउजर का, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से फिर आप उसको एडजस्ट कराएंगे, तो इसको कहते हैं ऑल्टरेशन। तो आप समझ गए ऑल्टरेशन का मतलब, टू चेंज इन टू अदर। अब ऑल्टरकेशन, देखिए ये वर्ड और ये वर्ड सिर्फ सी का फर्क है, ऑल्टरेशन ऑल्टरकेशन, और बड़ी कंफ्यूज करता है एग्जाम में, खूब आता है एग्जाम, किसी भी एग्जाम में देखिएगा खूब ये शब्द आते हैं। और यहां ऑल्टरकेशन का मतलब होता है, देखिए वर्बल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब वाद विवाद, वर्बल और काफी हीटेड एंग्री आर्गुमेंट करना, ठीक है ना। अब कैसे होता है, जैसे कि हमने कोई बात कही, ठीक है, तो किसी को कोई बात पसंद नहीं तो अपना वो अल्टरनेटिव बातें वो आपके सामने रखेगा। इस स्थिति में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो उसमें वाद विवाद शुरू हो जाता है, आर्गुमेंट शुरू हो जाएगा, आपस में बहस शुरू हो जाएगी, तो उसको कहते हैं ऑल्टरकेशन, वर्बल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कब होगा, जब आपस में कुछ टकराव की स्थिति आ जाएगी तो आर्गुमेंट करोगे, ठीक है ना, सामने वाले की बातों को हम काटेंगे, यानी हम अपना दूसरा ओपिनियन देंगे किसी मैटर पे, दूसरा ओपिनियन देना, दूसरे की बातों को काट देना, जब आप ये करेंगे तो आप आर्गुमेंट करेंगे और वर्बल आर्गुमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑल्टरकेशन एक तरह से फाइटिंग के सेंस में भी आप कह सकते हैं, कलह के सेंस में, वर्बल आर्गुमेंट के सेंस में, तो ये हो जाता है। अब देखिए ऑल्टरनेटिव, अदर च्वाइस, ठीक है ना, अदर च्वाइस। अब जैसे मैंने कहा कि मेरी नौकरी दो जगह पे हुई है, एक स्टेट बैंक में हुई है और एक हुई है SSC में, ठीक है, तो कहां जो है भाई, मेरे पास दो विकल्प है, या तो ये कर लो या वो कर लो, तो विकल्प आपके पास चॉइस है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो चार या पांच ऑप्शन आप देखते हैं उसमें होता है, तो क्या करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से आप सही आंसर का चयन करें, तो उन विकल्पों में से आपको एक का चयन करना पड़ता है। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है अदर च्वाइस, यानी कि विकल्प, विकल्प है तो आपको एक से ज्यादा दूसरे चॉइस भी हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सा शब्द आपके साथ, ऑल्टर ईगो, ऑल्टर तो है ही यानी दूसरा, और ईगो का मतलब होता है आई या सेल्फ या अदर आई, यानी दूसरा मैं। अब दूसरा मैं कैसे हो सकता है भाई, मैं कहता हूं अरे वो तो मेरा कार्बन कॉपी है,
हाइट भी मेरे जैसा है, हाँ उसका कम्प्लेक्शन भी मेरे जैसा है, उसकी हैबिट्स भी मेरे जैसी है, जो चीजें मुझे पसंद आती हैं वही चीज उसे भी पसंद आती है, तो बिल्कुल मेरा कार्बन कॉपी है, ठीक है ना, ठीक है ना, मेरा डिट्टो है वो, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि ही इज माई ऑल्टर ईगो, ठीक है ना। अगर मेरी पर्सनालिटी भी आपको दो दिखती है, मैं एक तरफ गंभीर हूं और कहीं पे आपको दिखता हूं, मान लीजिए कोई फिल्म एक्टर है वो कहीं गंभीर कैरेक्टर निभा रहा है और कहीं वो कॉमेडी के कैरेक्टर में है, तो वो भी कहा जाएगा कि दो पर्सनालिटी दिख रही है, दूसरी पर्सनालिटी उसकी है, तो वो उसका ऑल्टर ईगो है, ठीक है ना। तो ऑल्टर ईगो, ईगो का मतलब मेरे जैसा, मेरे ही जैसा है, समझ गए। ऑल्टर ईगो का मतलब अदर सेल्फ, हाँ दूसरा मैं, ठीक है ना, दूसरा मैं, आप अदर आई भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑल्टर अदर और ईगो का मतलब आई, अदर आई, दूसरा मैं या दूसरा, यहां दूसरा सेल्फ का मतलब, सेल्फ का मतलब भी अपना ही होता है, अदर सेल्फ, मेरे जैसी है वो, मेरी आदतें उसकी जैसे, उसकी आदतें मेरी जैसी है, मेरी वैसी ही हाइट है, वैसी ही कद काठी है, वैसे ही वो हेल्थ भी मेरे जैसा है, हाँ उसके शौक भी मेरे जैसे हैं, ठीक है ना। तो वो कहेंगे कि भाई बिल्कुल मेरे जैसा, आप दोस्त मेरे हो गए। अब कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो देखिएगा कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के जो फ्रेंड्स होंगे वो इंटेलिजेंट ही, वो उन्हीं तरह के लोगों में बैठेगा। जो चोर उचक्के होंगे वो अपने ही तरह के लोगों में बैठेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या हो गए, एक तरह के लोग हो गए, तो कहेंगे कि ऑल्टर ईगो, उसमें कहेंगे कि जैसे मेरा, मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो मेरे ऑल्टर ईगो हैं, ठीक है, मेरे जैसे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे ही जैसे हैं यार, बोलते हैं अरे वो भी मेरे ही जैसा है यार, ठीक है। तो ये ऑल्टर ईगो। उसके बाद ऑल्टरनेटर, जैसे जनरेटर हो गया ना, तो क्या करता है जनरेटर, मैकेनिकल, MECH खाली मैंने लिखा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला कोई भी मशीन है उसको ऑल्टरनेटर कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है, देखिए मैंने एरो दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको कहा जाता है ऑल्टरनेटर, जैसे जनरेटर हो गया, ठीक है, तो जनरेटर को हम ऑल्टरनेटर कहेंगे। अब देखिए अगला वर्ड, यहां भी ऑल्टर है, ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट। अब देखिए यहां पर ऑल्ट लगा हुआ है, ऑल्टर नहीं है लेकिन ऑल्ट है, यहां पर मैंने लिखा था ऑल्ट, ऑल्ट का मतलब भी अदर। अब देखिए यहां पर ए पर्सन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के कल्याण के लिए काम करता है, यानी वो परोपकारी है, यहां भी दूसरा आ गया, दूसरों के लिए काम करेगा, दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा, दूसरों का भला चाहेगा, तो ऐसा व्यक्ति ऑल्ट्रुइस्ट कहलाता है। अगर कहीं भी आईएसटी लग जाए तो वो पर्सन के सेंस में आता है, और ऑल्ट्रुइज्म प्रिंसिपल है, ठीक है ना, जैसे इसको कहेंगे परोपकारी, हाँ किसी व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऑल्ट्रुइस्ट परोपकारी है, और ऑल्ट्रुइज्म परोपकारवाद है, ठीक है ना, परोपकारवाद, तो इस तरह से ऑल्ट्रुइस्टिक भी बन जाता है, इसी तरह से सेम है, ठीक है ना। तो ऑल्ट्रुइस्ट को अगर हम हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा आपको परोपकारी, ठीक है, इसको आप परोपकारी कह सकते हैं हिंदी में, परोपकारी, जो दूसरे परोपकार यानी कि दूसरों के भला के बारे में वो सोचता है, तो ऑल्ट्रुइस्ट है। तो इस तरह से आपने देखा एलियास, अदर नेम, ऑल्टरेशन टू चेंज इन टू अदर, हमने कपड़े का एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि कैसे आप कपड़े को, आप ट्राउजर्स को, जींस को अपने हिसाब से एडजस्ट कराते हो, यानी उसमें एक बदलाव लाते हो, ठीक है, ओरिजिनल में को वो दूसरा बनाते हो, आप ओरिजिनल है उसको दूसरा शेप देते हो, ठीक है ना। तो ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन हो गया, ऑल्टरकेशन वाद विवाद, कला, हाँ वर्बल आर्गूमेंट जो हो जाए तो ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो मेरे ही जैसा बिल्कुल है तो अदर सेल्फ उसको कहते हैं, ऑल्टर ईगो कहते हैं, ठीक है ना, अदर सेल्फ। उसी तरह से ऑल्टरनेटर, जो भी मशीन है और वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो उसको ऑल्टरनेटर कहते हैं, जैसे कि जेनरेटर, और ऑल्ट्रुइस्ट परोपकारी, ए पर्सन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। जैसे मैं दूसरे के बच्चों को खूब पढ़ाता उढ़ाता हूं अगर, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, परोपकार कर रहा हूं, उसने उनसे कोई फी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, तो मैं उन पे परोपकार कर रहा हूं, या कोई हेल्प कर देता हूं तो मैं उन पे परोपकार कर रहा हूं, ठीक है ना, कोई कुछ भूखे लोगों को कंबल बांट रहा हूं, खाना दे रहा हूं, तो मैं परोपकार कर रहा हूं, तो मैं ऑल्ट्रुइस्ट व्यक्ति हूं। तो इस तरह से आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सो
दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. जय हिंद.